For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. दोस्तों, आप नामकरण से क्या समझते हैं? यही ना, जब किसी का नाम रखा जाता है तो उसे बोलते हैं नामकरण। लेकिन अगर आप स्टार प्लस का शो नामकरण देखेंगे तो उसमें दूर दूर तक कहीं आपको नामकरण की ये वाली परिभाषा तो समझ नहीं आएगी। और अगर आप डेली व्यूअर हैं फिर तो आप समझ गए होंगे हमारे कहने का मतलब क्या है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बता दें कि क्या कुछ हुआ आपको शो में जो सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी दिखाई जा रही है। जी हाँ, जहाँ एक आदमी जेल में अवनी के एक साथी को परेशान कर रहा होता है तो अवनी भी वहाँ आती है और वो अवनी को भी बुरा भला बोलता है, जिसके बाद अवनी दिखाती है उसे अपने कुछ टाइकोंडो के अटैक्स और करती है उसकी अच्छे से धुलाई, जिसके बाद वो उन दोनों से माफ़ी मांगता है। इसके बाद नील पहुँचता है जेल में और अवनी को देख कर वो सोचता है कि अवनी उससे गले लगी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं होता और अवनी उससे बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। वहीं नील अवनी को बुलाता है और अवनी उसे बोलती है कि उसने उसके साथ बहुत बुरा किया और उसे बहुत दर्द पहुँचाया है, इसीलिए वो कभी नहीं भुला पाएगी इसे। साथ ही नील अवनी को पट्टी भी करता है। अब आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि नील जाएगा अवनी के सेल के बाहर, जहां वो देखेगा कि अवनी सो रही है और वो दीवार पर वही पोस्टर देखेगा जहां से अवनी भागने की कोशिश करती है और वो पोस्टर हिल रहा होगा और उसे शक हो जाएगा कि यही रास्ता है जहां से अवनी भागने की कोशिश कर रही होगी। ऐसी और भी तमाम सीरियल अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहिए हमारे चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से रवि की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.